जीडीए के द्वारा रामगढ़ ताल में मई महीने से क्रूज चलेगा, जिसके संबंध में जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि रामगढ़ ताल में क्रूज को चलाने का कार्य जल्द किया जाएगा। गोरखपुर के मोहद्दीपुर स्थित रामगढ़ ताल के किनारे क्रूज को बनाने का कार्य चल रहा है, जो कि 50% से ज्यादा बनकर तैयार हो गया है, जिसको अप्रैल माह के लास्ट तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें रेस्टोरेंट और 150 लोगों को एक साथ पार्टी करने की पूरी व्यवस्था है। वही इस संबंध में क्रूज के ठेकेदार राजकुमार राय ने कहा कि क्रूज को बनाने में अभी तक 10 करोड़ लग चुका है। यह 150 सीट की क्रूज है, जो कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, जिसको भारत में ही निर्मित किया जा रहा है। विदेश का कोई सामग्री नहीं लग रहा है, जिसको 30 कर्मचारी 12 घंटे कार्य करके बना रहे हैं। इसमें गोरखपुर के लोग ही कार्य कर रहे हैं। इसमें सिंगिंग, रेस्टोरेंट व पार्टी करने की पूरी व्यवस्था रहेगी। लोगों को मई महीने से क्रूज का लाभ मिलने लगेगा, जिसके लिए लोग गोवा जाते थे, वही सुविधा गोरखपुर में मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह, क्रूज हमारा 60% कार्य हो चुका है। शेष जो कार्य बचे हुए हैं, उसमें से कुछ कार्य अभी यहाँ मौके पर होने हैं और कुछ कार्य हमारे रेडीमेड आकर के उसमें इंस्टॉल होने हैं। तो वो कार्य प्रगति पर है और अप्रैल के मिड तक हम उसे ताल में उतारने की स्थिति में होंगे। इसी तरह से इसी पोजीशन में हमारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है। दोनों की क्षमता 100-100 की है और दोनों को मिला करके 200 लोगों की पार्टी की जा सकती है, या 100 लोगों के लिए सारी सुख सुविधाएं रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई सारी सुविधाओं के साथ ये रेस्टोरेंट है और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है और ये हमारा क्रूज भी है। साथ ही ये अपने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो भी होगा उसके संबंधित सारी व्यवस्था ये बाहर करेंगे। उसको ताल के अंदर किसी तरह की कोई गंदगी नहीं करेंगे। इससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? हाँ, इससे जो है हमारा पर्यटन उद्योग को भारी बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से गोवा में या कलकत्ता में हम इस तरह के का आनंद ले पाते हैं जा करके, उस तरह का आनंद हम रामगढ़ ताल में ले पाएंगे।